हाय गाइस, आप देख रहे हो टेक बोल्डी और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग। यह एक ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच और इसका नाम है U8 ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच। अगर आप अमेजन से खरीदना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है या डायरेक्टली अमेजन में जाने के बाद वहाँ पर सर्च कर सकते हैं U8 स्मार्ट वॉच। और जब मैंने खरीदा था इसका प्राइस लिया था लगभग 350 के आसपास, तब ऑफर चल रहा है इसीलिए, पर अभी इसका प्राइस हो गया 500 रुपया। तो आपको यह लेना चाहिए सब आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसे आपको कुछ देखने को मिलता है फोटो में, ऐसे अंदर में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, पर थोड़ा डिस्प्ले में कुछ अलग है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। म्यूजिक प्लेयर, उसके बाद USB, नोटिफिकेशन और हैंड्स फ्री, और यहाँ पर पीछे आपको दिखा देता हूँ ऐसा करके कुछ देखने को आपको मिलता है। आंसर एंड डायल, उसके बाद अलार्म, उसके बाद म्यूजिक प्लेयर, उसके बाद स्टॉप वॉच, फोन बुक, बहुत सारा कुछ। चलिए मैं एक एक करके आपको फीचर्स को बताता हूँ। जब आप इसको पहली बार ओपन करते हैं कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, सब मैं आपको साइड में रखता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। पहले नीचे आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको मिलता है। तो नीचे एक USB नॉर्मल आपको USB केबल मिलता है ऐसा करके कुछ, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, और आपको फोन का एडाप्टर यूज़ करना पड़ेगा इसको चार्ज कराने के लिए। और एक यूज़र मैनुअल है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अब चलिए बात करते हैं मेन स्मार्ट वॉच के बारे में। तो जब पहली बार ओपन करते हैं आपको ऐसा करके कुछ देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा एकदम ओपन करके दिखाता हूँ, ये रहा इतना आपका साइज़ मिलता है, टोटल इसका साइज़ है। और इस साइड में आपको मिलता है एक USB पोर्ट जहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है और एक रिसीवर देखने को मिलता है और पीछे का एक स्टील, और इसमें बैटरी आप रिमूव नहीं कर सकते। चलिए अब इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर ऐसा नॉर्मली मोबाइल जैसा होता है वैसे आपको देखने को मिलता है, पर यहाँ पर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी मेरा एक मोबाइल से कनेक्टेड हो गया है ये स्मार्ट वॉच, तो इसीलिए यहाँ पर आपको दिखा रहा था रेडमी कनेक्टेड। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ब्लूटूथ में ओपन करके दिखाऊँ, यहाँ पर जितना भी ब्लूटूथ है सब यहाँ पर दिखा देगा, जो जो मोबाइल पर ब्लूटूथ है। और यहाँ पर इससे कनेक्टेड है नीचे वाला एकदम रेडमी से, ये वाला। और मैं अंदर का फीचर में बता देता हूँ क्या क्या इसमें आपको ऐप्स मिलते हैं देखने को। तो यहाँ पर सेटिंग्स, पावर सेवर, नॉर्मली जो बेसिक ऐप्स मिलते हैं फिटनेस के लिए वही मिलता है, और अलग से आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप चाहे तो जो फॉन्ट का जो डिस्प्ले का डिज़ाइन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाने के बाद। उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद डिस्प्ले, उसके बाद डिस्प्ले में से डिस्प्ले नहीं कहाँ से करता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्लॉक में जाने के बाद क्लॉक टाइप, उसके बाद चलिए एंगलो वन में, आप जब क्लिक एनालॉग वन में जब आप क्लिक करेंगे कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। तो बीच का बटन डायल पैड ओपन करने के लिए है, और इस साइड का बटन मेनू को ओपन करने के लिए है। और यहाँ से आप अलार्म भी दे सकते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर भी है, आपको दिखा रहा हूँ। और बात करते हैं अभी इसको आपको क्या लेना चाहिए या नहीं, और अगर आप चाहते हैं तो यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर जो डायलर, उसके बाद फ़ोन बुक, इसको यूज़ करने के लिए आपको मोबाइल पे एक BT नोटिफायर करके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा। ये आप देख सकते हैं, प्लीज़ इंस्टॉल BT नोटिफायर ऐप इन रिमोट डिवाइस, जिस मोबाइल से ये कनेक्टेड है ब्लूटूथ से उसको आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल करने के आप प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ से करा सकते हैं। अब आपको क्या ये स्मार्ट वॉच लेना चाहिए या नहीं, आप मेन बात करते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मत लीजिए ये स्मार्ट वॉच, एकदम फालतू बेकार स्मार्ट वॉच है। 2 महीने यूज़ करने के बाद ही मुझे पता चल गया, मतलब इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बैटरी। पहले बहुत जब स्मार्ट वॉच खरीदते एक महीना बहुत बढ़िया चल रहा था, पर नेक्स्ट महीने से, मतलब दिसंबर, मैंने इसको नवंबर में लिया था और दिसंबर से बहुत ही फालतू का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मतलब बैटरी 1 घंटा 2 घंटा यूज़ करने के बाद ही बैटरी ख़त्म हो रहा था, मतलब बेकार एकदम स्मार्ट वॉच। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जा रहा था। और पीछे का जो ये यहाँ पर नॉर्मली समर के टाइम पे आप यहाँ पर पूरा इस पीछे का ये जगह पर स्टील पूरा गीला हो जाता है, और मतलब और भी एक अनकम्फर्टेबल आपको फीलिंग आता है इसको पहनने से। तो इसको मत लीजिए स्मार्ट वॉच, और ऐसे भी कुछ इसमें कुछ नहीं है, और यहाँ पर और तो कुछ बताने का नहीं है बस। और कैलकुलेटर ही है कुछ, अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद कर सकते कैलकुलेट, पर कोई मतलब एग्ज़ाम में आपका टाइप करते करते आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा और क्या। तो इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।